हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम सभी रुमाल को यूज़ करते हैं, लेकिन इस रुमाल से हम कई तरह की चीज़ें भी बना सकते हैं। इसे बहुत अच्छी तरह से रीयूज़ कर सकते हैं, वही मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये कुछ रुमाल है मेरे पास, सब अलग अलग टाइप के हैं। इनमें से मुझे ये पिंक कलर का जो रुमाल है, इसका फैब्रिक बहुत ही सॉफ्ट है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। रुमाल को हम फोल्ड करके सेंटर में से कट कर लेंगे। इसके हम इस तरह से टू पीस कर लेंगे। मैंने पेपर पे एक शेप कट कर रखा है। इसकी लेंथ 11 सेंटीमीटर है और नीचे से विड्थ 7 सेंटीमीटर है और ऊपर से 5 सेंटीमीटर है। जैसे एग होता है उसी टाइप का शेप है ये। यहाँ पर मैंने एक वाइट फैब्रिक लिया है। इस शेप को इसी के ऊपर रख के हम 4 पीस कट कर लेंगे। इसी शेप के मैंने फॉर्म के भी 2 पीस कट कर लिए हैं और फैब्रिक के हमने 4 पीस कट कर लिए हैं। फैब्रिक के बीच में हम फोम को रख के इसके चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हमने जो रुमाल का ये पीस कट किया था, इसको भी इस तरह से फोल्ड करके इसके इस साइड किनारी पे हम सिलाई लगा लेंगे। इस पर हमने सिलाई लगा ली है और ये जो नीचे का पार्ट है, इसके बीच में हम सेंटर में भी साइड में एक निशान लगा लेंगे और इसकी जो रुमाल पे यहाँ सिलाई लगाई थी, इस सिलाई को उस नीचे वाले निशान पे रख के इसको चारों तरफ से इस तरह से पकड़ते हुए हम सिल लेंगे। सिलने के बाद हम इसको टर्न कर लेंगे। देखिए, ये हमारा जो बूट था ये सीधा कर लिया है हमने। इसको अच्छी तरह से सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ फिर हम इसको अंदर से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम इलास्टिक डालने वाले हैं, इसके लिए इसको चारों तरफ से यहाँ सिलाई लगा देंगे। हमने इसमें इलास्टिक डाल लिया है। देखिए, हमारे बूट्स रेडी हो गए हैं और इसके आगे डेकोरेशन के लिए हम ये पॉम्पॉम लगा रहे हैं। ये फैब्रिक ग्लू है, मैं इससे पॉम्पॉम लगा रही हूँ। आप चाहें तो सुई से सिल भी सकते हैं इनको। हमारे बूट्स रेडी हो गए हैं। ये रुमाल का कपड़ा इतना सॉफ्ट था, तो इतने सुंदर लग रहे हैं ये बूट्स। आपको कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।